तो गुड इवनिंग, कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा, अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? आपका एक्सप्रेशन ऑफ एरर। लास्ट लेक्चर में हमने एरर के बारे में पढ़ लिया था कि एरर क्या होती है, कितने टाइप की होती है, वो सारी चीजें अपन ने पढ़ ली थी। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर एरर। एक्सप्रेशन फॉर एरर, ठीक है। तो क्या होती है? जो एरर होती है उनको तीन तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, एक एब्सोल्यूट एरर, एक रिलेटिव एरर और एक परसेंटेज एरर। ठीक है, तो द एरर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन थ्री डिफरेंट वे That is, first, absolute error, second, relative error, third, percentage error। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, क्या होता है? द मोड ऑफ डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू। ट्रू वैल्यू को मीन वैल्यू भी बोल सकते हैं, विथ मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा ए। ठीक है, क्या होता है कि आपने किसी क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किया, ठीक है, तो उसकी एक ट्रू वैल्यू होगी और बाकी सब क्या आएंगे? मेजर्ड वैल्यू होगी। तो आपका जो ट्रू वैल्यू जनरली क्या होता है, जितनी भी मेजर्ड वैल्यू होती है, रैंडम एरर के केस में बता रहा हूं कि जितनी भी मेजर्ड वैल्यू होती है उनका मीन निकालो तो आपको क्या मिल जाती है? ट्रू वैल्यू के आसपास की वैल्यू मिल जाती है, उसको ही अपन ट्रू वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब उस ट्रू वैल्यू से बाकी जो वैल्यू है मेजर्ड वैल्यू, उनका जो डिफरेंस होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किया, एग्जांपल ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी ड्यूरिंग अ मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर ऑब्टेंड। ठीक है, तो अपन ने क्या किया? किसी फिजिकल क्वांटिटी को n टाइम्स मेजर किया। फर्स्ट टाइम जो रीडिंग आई वो A1, सेकेंड टाइम A2, थर्ड टाइम A3 ...... AN आ गया। ठीक है, तो इसका जो मीन होगा, ट्रू वैल्यू होगा, ए मीन या ए बार अपन बोल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 ...... प्लस AN अपॉन N, या सीधा आप ए बोल सकते हो 1 अपॉन N समेशन I इज इक्वल टू 1 से N AI। ठीक है, ये आपका मीन वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अब आपकी एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, तो जो डेल्टा A1 आएगा, एरर कभी भी नेगेटिव आपको नहीं लेनी है। ठीक है, एरर हमेशा पॉजिटिव लेनी है, एरर ऐड होती है, कभी भी सब्स्ट्रैक्ट नहीं होती। तो आपका जो डेल्टा A1 आएगा वो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए मीन माइनस A1, डेल्टा A2 बराबर मॉड ऑफ ए मीन माइनस
ए टू, ऐसे ही डेल्टा ए थ्री क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए मीन माइनस ए थ्री, डॉट 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 चलता जाएगा, डेल्टा ए एन बराबर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए मीन माइनस ए एन, ठीक है। तो ये हो जाती है एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बार और डेल्टा ए मीन, ठीक है। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डॉट 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 डेल्टा ए एन डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो डेल्टा ए बार जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, वन अपॉन एन समेशन आई बराबर वन से एन तक डेल्टा ए आई, ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा, ठीक है। अब किसी भी क्वांटिटी को जब आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, तो उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो भी आपका मेजरमेंट है यानी आपकी जो ट्रू वैल्यू है उसमें प्लस माइनस डेल्टा ए आप ऐड कर देंगे या सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी, नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेशन ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ए बराबर ए मीन या ए ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए बार या प्लस माइनस डेल्टा ए, तो ए बराबर ए मीन या ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी हो जाता है। तो ये पहला एक्सप्रेशन हो गया किसके लिए, एरर के लिए और क्वांटिटी के लिए भी हो जाता है, ठीक है। दूसरा एक्सप्रेशन जो आता है एरर का वो आता है आपका रिलेटिव एरर, सेकंड एक्सप्रेशन जो आएगा रिलेटिव एरर आ जाएगा, ठीक है। तो अगला एक्सप्रेशन आप देखेंगे रिलेटिव, रिलेटिव एरर, ठीक है। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एरर विथ रिस्पेक्ट टू मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी क्वांटिटी इज नोन एज रिलेटिव एरर, इज नोन एज रिलेटिव एरर, ठीक है। तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर बराबर एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, ठीक है, मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो रिलेटिव एरर अगर हम बात करते हैं, रिलेटिव एरर के लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा रिलेटिव एरर बराबर डेल्टा ए अपॉन ए, या कई लोग डी ए अपॉन ए भी आप लिख सकते हैं, ये हो जाता है आपका रिलेटिव एरर के लिए एक्सप्रेशन। एब्सोल्यूट एरर में ट्रू वैल्यू का क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, रिलेटिव एरर मिल जाएगा, ठीक है। अब अपन बात कर सकते हैं परसेंटेज एरर की, ठीक है, परसेंटेज परसेंटेज एरर, ठीक है। परसेंटेज एरर क्या होती है, व्हेन रिलेटिव एरर इज मल्टीप्लाइड बाय 100 इज नोन एज परसेंटेज एरर और द एरर प्रोड्यूस इन
per hundred of quantity is known as percentage error. ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, percentage error बराबर डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ये आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर हो जाएगा। तो रिलेटिव एरर इंटू 100 या आपका डेल्टा अपॉन ए इंटू 100 क्या हो जाता है, परसेंटेज एरर हो जाता है। तो इन पर कई सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, आपको ऑब्जर्वेशन दे देंगे, पूरा डाटा दे देंगे, आपसे पूछेंगे एब्सोल्यूट एरर निकाल लो, रिलेटिव एरर निकाल लो। अगर रिलेटिव एरर दी है तो आप एब्सोल्यूट एरर भी निकाल सकते हैं। रिलेटिव एरर में ट्रू वैल्यू का मल्टीप्लाई करो या मीन वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगी। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर एब्सोल्यूट एरर को ऐड करना रहता है, तो पहले रिलेटिव एरर देते हैं, तो आप एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, कई बार ऐसा रहता है रिलेटिव एरर को ऐड करना रहता है, एब्सोल्यूट एरर दी रहती है, तो पहले रिलेटिव एरर निकालेंगे, मतलब एब्सोल्यूट एरर से रिलेटिव एरर निकालेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे और फिर वापस से एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो ऐसी कई सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर इन डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, आपके डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं उसमें एरर किस तरह से प्रोपोगेट करती है, अपन उसके बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एडिशन। ठीक है, लेट टू फिजिकल क्वांटिटी A बराबर A प्लस माइनस डेल्टा A एंड B बराबर B प्लस माइनस डेल्टा B। ठीक है, आर एडेड टुगेदर टू गिव एनदर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब दो क्वांटिटी ऐड हो रही हैं जिससे आपको तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है, क्या, z। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, z बराबर क्या है, a प्लस b, तो z प्लस माइनस डेल्टा z को अपन क्या लिख सकते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z एरर के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। तो यहां से क्या हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर a प्लस b, साथ में ले लेंगे डेल्टा, प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे, डेल्टा a प्लस डेल्टा b हो जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा, डेल्टा z जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एब्सोल्यूट एरर हो गया किसी एडिशन में। अगर रिलेटिव एरर निकालना है तो डेल्टा z अपॉन z बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपॉन में z की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस b हो जाएगी। ये आपका रिलेटिव एरर, ये एब्सोल्यूट एरर, ये रिलेटिव एरर। तो एडिशन में क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर ऐड होता है, आप चाहो तो रिलेटिव एरर भी निकाल सकते हो। हाँ, फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्ट आपको जोड़ना पड़ेगा, फिर एरर भी आपकी जुड़ जाएगी, लेकिन कौन सी एरर जुड़ेगी, एब्सोल्यूट एरर जुड़ जाएगी। ठीक है, ये हो गया एडिशन। इसके बाद अपन बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग आप लिखेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में एरर कैसे प्रोपोगेट होती है। ठीक है, लेट टू फिजिकल क्वांटिटी a बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a एंड b बराबर b प्लस माइनस
डेल्टा बी आर सब्ट्रैक्टेड टू गिव एनोदर फिजिकल क्वांटिटी ठीक है। तो z बराबर क्या हो जाएगा a माइनस बी, तो आपको z प्लस माइनस डेल्टा z आपको लिखना है, तो ये हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b ठीक है। तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर a माइनस b प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, तो क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर भी वही आएगा आपका प्लस माइनस डेल्टा बी हो जाएगा ठीक है। तो ये हो गया क्वांटिटी, ये एर देन डेल्टा जेड बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, मतलब सब्सट्रैक्शन हो रहा है तो भी आपकी एरर कौन सी एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगी एड हो जाएगी, तो ये एब्सोल्यूट एरर हो गई ठीक है। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर ठीक है क्या हो जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए माइनस बी, ये आपकी क्या हो जाएगी रिलेटिव एरर हो जाएगी। तो ये प्रोपोगेशन ऑफ एरर हो गया किसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ठीक है। अब अपन बात करते हैं इन मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में कैसे एरर का प्रोपोगेशन हो जाएगा ठीक है। इन मल्टीप्लीकेशन ठीक थर्ड आएगा, इन मल्टीप्लीकेशन लेट टू फिजिकल क्वांटिटी ए बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी बराबर प्लस माइनस डेल्टा बी आर टू बी मल्टीप्लाइड टू गिव एनोदर फिजिकल क्वांटिटी ठीक है। तो आपका क्या बोल रहे हैं जेड बराबर क्या हो जाएगा ए इंटू बी ठीक है। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो डेल्टा जेड सही जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर क्या हो जाएगा ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड डेल्टा बी ठीक है। वेयर डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल सो दैट डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी मच स्मॉलर हैंस इट कैन बी निग्लेक्टेड ठीक है। इसको निग्लेक्ट कर देंगे तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ए बी प्लस माइनस कॉमन ले लिया ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए ये हो जाएगा। मैं दोनों तरफ z का डिवाइड करता हूं तो z का डिवाइड करता हूं तो ये वन हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, यहां पर z की जगह क्या आएगा ए बी तो ए बी अपॉन ए बी हो जाएगा प्लस माइनस यहां पर क्या हो जाएगा a डेल्टा b अपॉन ए बी प्लस बी डेल्टा ए अपॉन ए बी ठीक है। गौर से देखेंगे तो ये वन हो जाएगा ए से ए कैंसिल बी से बी कैंसिल तो वन प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर वन
प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। तो आपसे वन से वन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन में जो रिलेटिव एरर है वो क्या हो जाएगा, दोनों फिजिकल क्वांटिटी की रिलेटिव एरर के सम के बराबर हो जाएगा, यानी डेल्टा ए अपॉन ए इंटू सॉरी प्लस डेल्टा बी अपॉन बी के बराबर हो जाएगा। परसेंटेज एरर निकालेंगे तो डेल्टा डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू हंड्रेड बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू हंड्रेड प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू हंड्रेड। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में आपकी एब्सोल्यूट एरर ऐड नहीं होगी बल्कि रिलेटिव एरर ऐड होगी या फिर परसेंटेज एरर ऐड होगी। तो रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर ऐड करके फिर आप क्या निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए z का इसमें क्या करना पड़ जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और z क्या होता है, a इंटू b के बराबर होता है। तो इन मल्टीप्लीकेशन क्या होती है, कौन सी एरर ऐड होती है, आपकी रिलेटिव एरर ऐड होती है, एब्सोल्यूट एरर नहीं होती, या परसेंटेज एरर ऐड होती है, एब्सोल्यूट एरर ऐड नहीं होती। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, डिवीजन की। ठीक है, डिवीजन की बात कर लेते हैं, पहले अपन फॉर्मूले देख लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन भी करेंगे, टेंशन ना लो, क्योंकि चैप्टर अपन बहुत अच्छे से ही करेंगे, ऐसा नहीं कि घास काट कर रख देंगे, क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, और भी इसमें बहुत सारी चीजें जो आपके स्कूल में नहीं पढ़ाई गई होंगी वो भी मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा, तो टेंशन बिल्कुल ना लें। ठीक है, थर्ड आता आपका इन डिवीजन। ठीक है, इन डिवीजन लेट टू फिजिकल क्वांटिटी ए बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी बराबर बी प्लस माइनस डेल्टा बी आर divided with each other to give another physical quantity मतलब दो quantity को divide कर रहा हूं। तो z बराबर क्या हो जाएगा, a upon b, तो z प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर क्या होगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, अब मैं नीचे से बी कॉमन ले लेता हूं, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ऊपर से ए कॉमन ले लिया, नीचे से बी कॉमन ले लिया, ऊपर क्या बचा, वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, नीचे क्या बचा, वन प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, इसको ऊपर ले जाता हूं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड प्लस माइनस जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी, ये हो जाएगा वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू वन प्लस माइनस डेल्टा वन प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी की पावर माइनस वन। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम से ये ऑलरेडी बहुत कम है, तो ये वन से बहुत कम हो जाएगा, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलती है, बाय बाइनोमियल थ्योरम ये जो पावर होगी वो सामने आ जाएगी, तो बाय बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी की पावर माइनस वन। ठीक है, तो ये माइनस आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, ये यहां पर रख दो, z बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी z प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा z बराबर a अपॉन बी, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, यहां पर हो जाएगा इंटू वन प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, जेड से डिवाइड कर देता हूं, तो
तो ये भी z, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z बराबर ये क्या हो जाएगा a अपॉन b डिवाइडेड बाय a अपॉन b कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, ठीक है ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z बराबर मल्टीप्लाई करो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b, ठीक है वेयर डेल्टा a अप इंटू डेल्टा b अपॉन a b कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है तो आपसे 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z बराबर क्या मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b मिल जाएगा, ठीक है इसको अपन ने नेग्लेक्ट कर दिया, अब 1 से 1 कैंसिल तो डेल्टा z अपॉन z बराबर डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ठीक है तो यहां पर भी डिवीजन में भी आपका रिलेटिव एरर ऐड हो गया, तो इन डिवीजन रिलेटिव एरर एडेड या परसेंटेज एरर भी क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो आपका डेल्टा z अपॉन z इंटू 100 बराबर डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, ठीक है तो आपका चाहे मल्टीप्लीकेशन हो चाहे डिवीजन हो एब्सोल्यूट एरर को ऐड नहीं करना, तो किसको ऐड करना है रिलेटिव एरर को ऐड कर देना, किसको ऐड कर देना रिलेटिव एरर को ऐड कर देना है, ठीक है तो आपका रिलेटिव एरर ऐड हो जाएगा, फिर उससे आप एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हो, रिलेटिव एरर लिया z का मल्टीप्लाई कर देना, z क्या होगा a अपॉन b का मल्टीप्लाई कर देना तो एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा, ठीक है तो इस तरह से, ठीक है ये चौथा हो गया डिवीजन। अब अपन पांचवा अपन बात करते हैं, अगर कोई क्वांटिटी पावर में फिफ्थ आएगा एक्सपोनेंट ऑफ क्वांटिटी इफ अ फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी ए बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा ए रेज टू एक्सपोनेंट एन वेयर एन इज नंबर n is number, ठीक है जनरली पॉजिटिव नंबर होता है, अगर नीचे आएगा तो भी अपन वो कर लेंगे वेयर n is number, ठीक है तो आपका क्या हो जाएगा आपका सिंपल सी बात ये हो जाएगी कि आपने z बराबर a की पावर n लिख दिया तो z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर क्या हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a की पावर n हो जाएगा, a कॉमन ले लो तो z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर a की पावर n बाहर निकलेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a की पावर n बाय बाइनोमियल थ्योरम जो पावर होती है वो कहां पर आ जाएगी सामने आ जाएगी अगर ये 1 से छोटा इफ डेल्टा ए अपॉन ए वेरी वेरी लेस देन 1 तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए की पावर एन बराबर 1 प्लस माइनस एन डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है तो यहां से z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर ए की पावर एन इंटू 1 प्लस माइनस एन डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है तो ये z से डिवाइड करता हूं तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z बराबर z क्या है a की पावर n तो a की पावर n से वो कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा 1 प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन a, ठीक है तो 1 से 1 कैंसिल तो डेल्टा z अपॉन z बराबर n
डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है। तो अगर एक्सपोनेंट में होगी तो जो पावर होगी वही रिलेटिव एरर में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। मतलब रेडियस का एरर दिया है 1%, तो वॉल्यूम का एरर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 pi r³। हाँ, रिलेटिव एरर में इसका कोई मतलब नहीं होता, एब्सोल्यूट एरर में मतलब होता है। तो आपका डेल्टा आर बाय आर परसेंटेज में दिया, तो डेल्टा वी बाय वी परसेंटेज में क्या हो जाएगा, 3 delta r upon r, जो पावर में होती है वो सामने हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 3% हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एक और है, आपका एक्सपोनेंट तो है लेकिन कई सारी क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो उसको मैं डायरेक्टली करवा देता हूं, उसको अलग से लिखवाता नहीं हूं, ठीक है। ये चीजें याद रखेंगे, फिर अपन इन पे अगली क्लास में क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। एक जेड आपका ए है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी है बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और सी है सी प्लस माइनस डेल्टा सी, ठीक है। अब अगली क्वांटिटी अपन ने ली जेड, जेड आया ए की पावर एन बी की पावर एम अपॉन सी की पावर जेड, उसे जेड मान लो, एम एन एल मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं, लॉग जेड बराबर लॉग ए की पावर एन बी की पावर एम C की पावर L, ठीक है। तो log Z बराबर क्या हो जाएगा, log A की पावर N प्लस log B की पावर N प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस log C की पावर N, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, तो ये क्या होता है z के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा 1/z बराबर n 1/a d a अपॉन डी जेड, ठीक है। प्लस अगर एरर के फॉर्म में है तो प्लस माइनस लग जाएगा, प्लस माइनस लग जाएगा, प्लस माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो आपका प्लस माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा m 1/b db upon dz प्लस माइनस l 1/c dc upon dz, ठीक है। यहां से dz upon z बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा n इंटू डेल्टा a upon a प्लस m इंटू डेल्टा b अपॉन b प्लस l इंटू डेल्टा c अपॉन c, तो ये हो जाएगा। तो जो एरर है रिलेटिव एरर, उसमें जो पावर है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी और बाकी सबकी रिलेटिव एरर एड हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका इस टाइप की क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोपोगेशन ऑफ एरर इन डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब इस पर कल अपन न्यूमेरिकल कर लेंगे, उसके बाद अपन पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, फिर आपके मेजरमेंट के मेथड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, फिर बर्नियर कैलिपर। स्कूल वाले यहां पर आपका चैप्टर ही खत्म कर देते हैं, बस सिग्निफिकेंट फिगर और आपको बता देते हैं, तो ठीक है, अपन थोड़ा सा और देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक दो लेक्चर और लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।